नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी पैनकेक, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये छोटी सी भूख में हम मिनटों में बना के खा सकते हैं। सूजी पैनकेक बनाने के लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है, ये वाला एक बाउल मैंने सूजी ली है। ऑयल चाहिए हमें, हरी मिर्च ली है मैंने दो, धनिया पत्ता लिया है, प्याज लिए दो, टमाटर लिए दो जिनको बारीक काट लिया मैंने, शिमला मिर्च लिए दो इनको भी मैंने बारीक काट लिया है, दही चाहिए हमें एक कटोरी खट्टी दही, और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, एक इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ कड़ी पत्ते लिए मैंने, राई चाहिए हमें, मीठा सोडा, नमक स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम दही डाल देंगे। दो हरी मिर्च लिए मैंने, वो डाल दी मैंने बीज निकाल के, दो टमाटर लिए थे वो भी डाल दिए मैंने काट के, धनिया पत्ता डाल दिया, दो मीडियम साइज के प्याज लिए थे वो भी मैंने डाल दिए, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो काली मिर्च ना डालें। मिक्स कर देंगे सभी को अच्छे से। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने मिक्स कर दिया। अब हम अदरक को कद्दूकस करके इसके अंदर डाल देंगे, आप कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने कद्दूकस करके डाल दिया, शिमला मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हम इसके अंदर। मिलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे, हमें ना तो ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला इसका घोल बनाना है। मैंने एक गिलास पानी यूज किया है इसके अंदर घोल बनाने में, मैंने एक गिलास पानी यूज किया है। देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। अब 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने एक छोटी चम्मच मीठा सोडा लिया था, वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पानी और यूज किया है मैंने। देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब ये तैयार है, अब हम पैनकेक बनाएंगे। गैस पे पैन रखेंगे, नॉन स्टिक पैन यूज कर रही हूँ मैं। ऑयल डाल देंगे, दो छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे पूरे पैन के अंदर फैला देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, थोड़ी सी राई डाल देंगे, कड़ी पत्ते डाल देंगे, गैस का फ्लेम लो रखें राई डालते वक्त। अब हम इसके अंदर बैटर डालेंगे, दो बड़े चम्मच मैं बैटर डाल रही हूँ और इसे फैला देंगे, एकदम गोल गोल फैला देंगे। सेट कर देंगे अच्छे से, देखिए गोल गोल फैल गया है। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट तक। देखिए ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये आसानी से पलटा जाता है। देखिए कैसा क्रिस्पी सा हमारा पैनकेक तैयार हुआ है, काफी टेस्टी पैनकेक है ये।
ये सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप जरूर बनाएं, जब भी आपको भूख लगे आप थोड़े से टाइम में इसे बना के खा सकते हैं। देखिए इधर से भी अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप बाहर निकाल के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी कटिंग पैन के अंदर ही कर रही हूं जिससे कि अच्छे से और सीख जाए। देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब इन कट के अंदर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे जिससे कि किनारों से भी अच्छे से और अच्छे से सीख जाए। अब मैं इसे पलट दूंगी, देखिए इस तरह से पलट के हम अच्छे से सेक लेंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से क्रिस्पी और सॉफ्ट है बिल्कुल खाने में, और ये काफी अच्छा सीका है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम इसकी पिज्जा कटर से कटिंग कर लेंगे। पिज्जा कटर से आसानी से कट हो जाता है, या आपका नाइफ काफी तीखा हो। देखिए ये काफी अच्छा और कुरकुरा और काफी टेस्टी बना है। इसी तरह हम और बना लेंगे। वापिस से ऑयल डालेंगे। राई डालेंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे। ध्यान रहे हाथ जले नहीं, बहुत सावधानी से बनाएं। 2 चम्मच बैटर डाल दूंगी और इसको सेट कर देंगे गोल गोल, एकदम अच्छे से गोल गोल बनाते हुए। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स ये, आप जरूर बनाएं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल भी इसके अंदर और डाल के बना सकते हैं। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, ये स्टीम से बनेगा। देखिए ये भी अच्छे से सीख चुका है, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो जाता है तो अच्छे से सीख जाता है और फिर आसानी से पलटा जाता है। देखिए इस तरह से हम काफी क्रिस्पी क्रिस्पी सीखा है, ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप जरूर बनाएं एक बार। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि हमारे दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाए। देखिए काफी अच्छा सीख गया है, पलट दूंगी और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। पिज्जा कटर से कटिंग कर रही हूं मैं। आप बाहर निकाल के कटिंग करके वापस से दोबारा भी सेक सकते हैं। ये काफी गर्म है इसलिए पकड़ा नहीं जा रहा। देखिए इस तरह से हम वापस से इनके कट के अंदर ऑयल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा जिससे ये अच्छे से सीख जाए, अंदर तक अच्छे से सीख जाए, कच्चा ना रहे। काफी टेस्टी पैनकेक बना है ये हमारा। देखिए पलट दूंगी, कट के निशान लग जाते हैं तो काटने में आसानी रहती है। देखिए अब आप देखिए एक पिज्जा कटर से मैंने काटा है तो ये आसान से स्पैचुला से कटा जा रहा है। देखिए इस तरह से सीख चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। काफी अच्छा और काफी टेस्टी पैनकेक बना है, आप जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे शाम की चाय के साथ, सुबह की चाय के साथ खा सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे ये बना के आप पैनकेक, सूजी पैनकेक खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप इसे धनिया की चटनी के साथ खाएं, मीठी चटनी के साथ खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी पैनकेक बना है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट है ये। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।